और इस बीच भोपाल से आपको खबर दे रहे हैं, जहां व्यापारियों ने संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए एक अनूठा पहल अनूठी प्रयास किया है। व्यापारियों ने स्वेच्छा से दुकान का समय निर्धारित किया है। आपको बता दें कि अब 7 बजे तक ही खुले रहेंगे थोक बाजार की दुकानें और ये व्यवस्था 16 सितंबर से लागू हो जाएगी। तो सरकार का समर्थन करते हुए, साथ देते हुए और कोरोना की चेन और इसकी रफ्तार को तोड़ने का प्रयास व्यापारियों द्वारा किया जा रहा है और आज से 7 बजे तक ही थोक व्यवसाय की दुकानें खुली रहेंगी। व्यापारियों ने स्वेच्छा से दुकान का समय निर्धारित किया है। लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इसको देखते हुए व्यापारियों ने थोक व्यापार की दुकानों का समय निर्धारित किया है स्वेच्छा से और इसके लिए अब 7 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी। कोरोना के संक्रमण को फैलने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, चेन तोड़ने का प्रयास और इसको लेकर अब व्यापारी वर्ग भी सरकार के समर्थन में सामने आया है और स्वेच्छा से दुकान का समय निर्धारित किया गया है। तो शाम 7 बजे तक ही खुली रहेंगी थोक व्यापार की दुकानें और स्वेच्छा से व्यापारियों ने इसका समर्थन किया है, क्योंकि लगातार भोपाल मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। यही वजह है कि अब व्यापारियों ने स्वेच्छा से समय को निर्धारित किया है। और तमाम जानकारी के साथ सनी मालवीय भोपाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार भोपाल की अगर हम बात करें तो बढ़ती जा रही है, ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है कहीं ना कहीं चिंता का सबब है और अब व्यापारी वर्ग स्वयं सरकार के समर्थन में नजर आया है। जो समय निर्धारित किया गया है शाम 7 बजे तक ही अब दुकानें खुली रहेंगी। जी बिल्कुल निश्चित है, जिस प्रकार से कोरोना के आंकड़े जो भोपाल और प्रदेश में आ रहा है वो चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं। भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में 250 से ऊपर जो कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों ने एक अनूठी पहल की है, जिसमें उनने स्वच्छता से दुकान बनने करने का समय का निर्धारित किया। जिस प्रकार से लगातार देखने को मिल रहा था राजधानी के बाजारों में कि भीड़ ज्यादा हो रही थी, उसके चक्कर 10 बजे तक मार्केट खुले गए थे। अब जो मार्केट का जो समय था वो बदल दिया गया है। थोक बाजार जो पुराने भोपाल का थोक बाजार है, शाम 7 बजे तक खुलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुलेंगे और यह व्यवस्था लागू होगी। और न्यू मार्केट 10 नंबर में भी सुबह 11 बजे से 8:30 बजे तक खुलने का समय रखा गया है, जिससे कोरोना जो कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहा है उसमें रफ्तार में कमी हो, कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए, उसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय व्यापारी संघ ने किया गया है। बिल्कुल सनी, लगातार कुछ समय से सरकार को सख्ती दिखानी पड़ रही थी कि कहीं ना कहीं संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए और व्यापार व्यवसाय को एक बड़ा धक्का भी लगा था कि लगातार दुकानों को बंद रखना पड़ा, लेकिन अब स्वयं जागरूकता दिखाते हुए प्रशासन का सरकार का साथ देते हुए अब व्यवसायी नजर आ रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि जो लगातार बेकाबू होता कोरोना है, इसको देखते हुए हर वर्ग अब जागरूक नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से कोरोना ने जो तेज रफ्तार फैल दी, सरकार जो कोरोना के रोकथाम के लिए अपने पूरे रोकथाम के लिए मुस्तैदी से रखी है, मगर अब जो जो जागरूकता करना है वो अब बिल्कुल लोगों को करना है कि इसके लिए का जागरूकता करना है, लोगों को बता रहा है किस प्रकार से इसका बचाव किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग रहा जाए। ऐसे ही एक अनूठी पहल बाजार व्यापारी संघ ने किए और समय बदल दिया गया, जिस तरह से देखने को मिल रहा था कि रविवार के दिन ज्यादातर बाजारों में भीड़ इकट्ठी हो रही थी, उस भीड़ इकट्ठी को देखने के चलते व्यापारी संघ ने निर्णय लिया है कि अब जो मार्केट है शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सनिवास साहब जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे थोक व्यापार की जो दुकानें हैं और ये व्यवस्था 16 सितंबर से लागू की जा रही है। स्वेच्छा से दुकानों का समय निर्धारित किया गया है व्यापारियों के द्वारा। इधर उज्जैन में